दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। It's a monumental effort for almost 40 years that has put India on a trajectory to become a sporting power. Champion मैदान में बनते हैं, उनके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने में एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। Sports Authority of India is gearing up to transform the landscape of Indian sports. जो भी मैंने आज तक मेडल जीते या ओलंपिक की बात हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी कंपटीशन हो हमारा, उसमें पर्दे के पीछे के जो लोग हैं, जैसे मैं एनएएस पटियाला में ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे जो हमारे मैच में लोग काम करते थे या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ग्राउंड मैन हैं या जिम में जो काम करते हैं, रिकवरी रूम में सोनाबास टीम बाथ में जितने लोग काम करते हैं, साथ में मिलके छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमारा देश इतना ग्रो कर रहा है स्पोर्ट में। हमें बहुत गर्व महसूस होता है और उनकी जीत में हमें अपनी जीत नजर आती है। नीरज चोपड़ा जो दो चार पटियाले में और बाहर खेलने जाए, जीत के आए, हमें बहुत अच्छा लगता है। मसाई में थे हम और लॉकडाउन के समय में जितना भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली ग्राउंड की, एंड मसाई का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हॉकी में काफ़ी चेंज आया, जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी हेल्प की हमें लास्ट काफ़ी सालों में। हर चीज़ के लिए हमें कॉम्पिटिशन्स के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए साई बहुत मदद करती है, और ट्रेनिंग का प्लान, कोचेस, फिर फैसिलिटीज़, परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैंने शुरुआत के दो साल अपने साई एनएसटीसी स्कीम में आरिफ सर के अंडर में शुरुआत की है। मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत साई के एसएसजी सेंटर को मल्लम पाल से की है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें साई का बहुत बड़ा रोल है। We are all set to leapfrog to a position where India solidifies its place in the upper echelons of the world of sports in the next 25 years. And combined with the team at Sports Authority of India, Target Olympic Podium Scheme, Khelo India, it leaves me with absolutely no doubt that India will shine as a global sports powerhouse soon.